मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिया की दुनिया में। तो मैंने सर पे पहन रखा है, क्योंकि सुबह का टाइम है तो सर पहन लेना चाहिए, वरना बच्चों को ठंड लग जाएगी। अभी पहना है मैंने, इससे पहले मुझे इस चीज़ की याद नहीं थी सर पे। तो फिलहाल जो सीन है वो बताती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आज से मैं कर रही हूँ प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट। और आज मेरे को हो गए हैं, आज मेरे बेबी को हो गया कितने दिन दीपा, 15 दिन ना, 15वां दिन है आज। फिलहाल चीकू जा रहा है स्कूल, और चीकू के लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पे आलू के पराठे। चीकू का वैसे आज से फर्स्ट डे मानो, एक दिन गया था स्कूल, उस दिन विदाउट ड्रेस गया था, बहुत ठंडी थी। आज प्रॉपर ड्रेस पहन के जाएगा, और पहला दिन है आज इसके स्कूल का। तो फिलहाल मैं उसके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। दीपा मेरी नज जो है उसने आटा तैयार कर लिया, आटा मैं नहीं गूंथ सकती सीजन की वजह से, लेकिन मैं बना दूँगी। अभी वो प्याज कट कर रही है। अब मैं बना रही हूँ अपने यहाँ पर चाय, और चीकू भी उठाते हैं, चीकू भी उठा नहीं है, बहुत टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, चीकू देखते हैं क्या करता है। गोलू गुड मॉर्निंग, उठे। फिलहाल सीन यह है कि चीकू उठेगा नहीं, क्योंकि और दिन उठ जाता है, आज को पता है इसको स्कूल जाना है, नाटक करेगा, पर कोई नहीं। अब फटाफट इसके पापा इसको ले जाएंगे, ब्रश व्रश करा के लेके आएंगे। और यहाँ पे सोई है मेरी छुनछी, यहाँ पे वो सोई है झूले में, और चीकू वहाँ पे लेटा हुआ है। अब फटाफट पीते हैं चाय, उसके बाद करते हैं आप लोगों से बात, ठीक है, और करते हैं फटाफट काम। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे आलू उबल चुके हैं, यहाँ पे चाय बन रही है, आटा गूंथ के रेडी है, सारा काम हो रहा है, मसाला भी रेडी है, फटाफट करते हैं काम। तो यहाँ पे चीकू का जो है लंच रेडी हो गया है, पपाया रखा हुआ है, संतरा रखा हुआ है, और ये है एप्पल, और यहाँ पे चॉकलेट, अंदर आलू का पराठा और एक टॉफ़ी, और ये लेके जा रहा है अपना जूस, और यहाँ पे इसका बोतल जो बोतल है वो रेडी हो गया है, और चीकू पी रहा है। फिर आप अपना दूध, हाँ जल्दी पियो, पहले सिजाओगे फिर जूस पियोगे। चीकू भी एकदम रेडी हो गया, जल्दी आओ जल्दी पियो मिल्क। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको स्कूल फटाफट जाना है, इसीलिए आज पहला दिन है और इसको स्कूल जाने का बहुत मन कर रहा है। इधर जल्दी आओ, आओ मेरे बच्चों, जल्दी पियो, फिर जाना है पापा के साथ बाइक पे, जल्दी पियो। तो मेरा गोलू हो गया एकदम रेडी, और गोलू यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे खड़े, ये देखो मेरा गोलू, ये है मेरा गोलू। और कपड़े देखो वहाँ पे बच्चे के पड़े हुए, मम्मी पापा ऊपर 8 बजने वाले हैं। इधर खड़े हो बस, और देखो ये मेरा गोलू है, और इसको स्कूल जाने का पता नहीं क्यों इतना मन कर रहा है, कल से पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। फोटो खींचेंगे, गोलू पोज बनाओ, मैं खींच खींच एक खींच, ये देखो इसके पोज में दिखाती हूँ आपको, गोलू वैसे पोज, ऐसे ऐसे वाला, जल्दी करो ऐसे कर, अपनी कॉपी है वो है, लो इसको ले जाओ, मैं इसका फोटो सर बैग पापा ने ले लिया। गोलू मम्मा को पूछी तो कर दे, मम्मा को पूछा आई लव यू, और सुन सुन दादू लोग को जय करके जाना, ओके जल्दी जाओ, जय करो सबको, जल्दी जय करना सबको, जाओ जल्दी जाओ, सबको जय करो, ठीक है जय करो, जल्दी जय करो, पैर में जय कर, जय कर, हाँ दादी को भी तो कर दे। घर का काम जो है फैला हुआ है, ये देखो आप देख सकते हो घर की हालत। फिलहाल बेबी यहाँ पे सोई हुई है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम फिलहाल। और अंदर बन रहे हैं पराठे, पराठे चीकू ले गया अपना, और ये हमारा देखो ये कैसे ताम झाम कर रखा है पूरा, ये देखो देख सकते हो आप ताम झाम। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मेरे जो है आलू के पराठे एकदम बन चुके हैं, ये देखिए आप देख सकते हो। और चीकू चले गया है स्कूल, ये पराठे मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड ननद के लिए, उसने बेल दिए हैं, मैं सिर्फ उसे पलटा रही हूँ, मैं नहीं बेल सकती इसी वजह से। यहाँ पे है मेरी ननद जो कि खा रही है पपीता, ये है मेरे सासू माँ, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हाय। और यहाँ पे बाहर धूप आ रही है, यहाँ पे मैंने बच्ची का झूला सुखा रखा है, ये देखो आप मैं लेके आ गई मिर्ची भी सुखाने के लिए डाल रखे, धनिया भी सुखाने के लिए डाल रखा है, ये बच्ची का गद्दा सूख रहा है, और बाहर हो रही है एकदम चढ़ाके की धूप। तो अब जाके मैं भौली जी बना, लेकिन एक हबे गोलू
आधा मतलब आधा तो खवाओ को जरा जरा महेंद्र खा जरा जरा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने वाली हूँ मैं भूल गई। अब मैं बच्चे की करूँगी मालिश और उसके निकालो सर से निकालूंगी लेची। अब जाके मैं बच्चे को मालिश करूंगी और उसका निकालूंगी कैडल। भाई कैडल बोलते क्या बोलते उसको, सी वो जो लेची होती है, हाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट नो मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे इसमें लेची बोलते हैं जो बच्चे के सर पर वाइट वाइट हो जाता है। जब बोलते हैं कि जब ज़्यादा छाछ पी लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, वाइट चीज़ें खा लेते हैं तो बच्चों को ज़्यादा होती है, वही बच्चे को हो रखी है। तो आटा से निकालना पड़ता है, वो आटा बच्चे को मालिश करूँगी। तो और आज मुझे नहाना भी है सर पर, कल दीपा ने ऑयलिंग कर रखी है मेरे ननदे, तो फिलहाल नहाना भी है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, फिलहाल मैंने दूध गर्म कर रहे हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर टाइम हो चुका है 10:30 होने वाला है, अभी हुए नहीं है और मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बच्चे की मालिश हो चुकी है और उसके सारे कपड़े धुल गए हैं, किचन एकदम क्लीन कर दिया है साफ, बर्तन सारे धो दिए हैं, एक दो बर्तन और बचे हैं उनको धोना है अभी। और बाबू को मैंने यहाँ पर सुला दिया है अच्छे से, कपड़े मतलब बिल्कुल रिलैक्स होकर वो सो गई है अपना, दूध पिला दिया मैंने उसको। अब जाके मैं नहाने के लिए जाऊँगी, पानी मेरा लग चुका है और मैं नहाऊँगी। यहाँ पर किचन आप देख सकते हो पूरा मैंने क्लीन कर दिया है, एकदम साफ कर दिया किचन। अब मैं पहले नहाऊंगी उसके बाद एक अपने चाय बनाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ और अब मैंने डाल दिया अपने लिए एग बॉईल करने के लिए और यहाँ पे गर्म पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए, फटाफट गर्म पानी करती हूँ उसके बाद पीती हूँ क्योंकि पानी की प्यास लग रही है बहुत तेज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टाइम हो चुका है 12 बजने वाला है और चीकू को उसके पापा गए हैं लेने के लिए, चीकू आने ही वाला है। चीकू के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा घर में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आज वो सेकंड टाइम गया है स्कूल, फर्स्ट टाइम पहले गया था, आज वो पूरे ड्रेसअप वगैरह ड्रेस पहन के करके पूरा पहली सेकेंड बार ही गया है, बट उसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर में होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन वो अभी स्कूल गया है तो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि कब आता है। और मेरी यहाँ पे बीबी भी देख सकते हो, तो इसने भी अभी दूध वगैरह पी लिया है और थोड़ा सा सोई हुई है, जो मैं इसकी मालिश करती हूँ ना तो उससे इसको बहुत अच्छी नींद आती है, तो इसलिए। और अभी तो सुबह की तो हो गया था इसका, अब 2 बजे करीब इसकी मालिश करूँगी, उसके बाद करूँगी रात को खाना खाने के बाद। तो अब मैं पी रही हूँ यहाँ पर अपनी चाय और रस, जब से मैं नहाया तब से मैं चाय नहीं पी है। तो यहाँ पर चीकू आ चुका है, देखो गोलू आ गया मेरा, पहले हेलो बोलो, क्या इतना चालाक है, जब जो स्कूल जाता है मुझे घर आके गिफ्ट मांगता है जैसे कि यहाँ गिफ्ट की दुकान खुली होगी। क्या बेटा
इतने गिफ्ट थोड़े लाते हैं कोई। आपकी बहन कहाँ है? ओ वहाँ बहन है। आपको बहन अच्छी लगती है? हैं? वो कूद ऐसे कर। कैसे कर रही है? वो ऐसे पैर। ऐसे पैर से कर रही है? हाँ देख, वो देख। हाँ। वो देख। हाँ। वो देखो, वो ऐसे कर। हाँ। तो यहाँ पे मैंने चीकू को दे दिया है उसका खेरा, वो खा रहा खेरा अच्छा है। और ये मैंने लिया था, मैं बता देती हूँ आपको, ये मैंने लिया था अमेज़ोन से, ये वाला अपने बेबी के लिए, बच्चे के लिए। इसमें मैंने दवाइयाँ रखी हुई है नीचे, उसके नए कपड़े, इसमें कपड़े रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। तो मैंने ये दवाइयाँ रखी हुई हैं उसी की। हाँ जी, दिन में अभी नहीं यार। और यहाँ पे अभी अमेज़ोन से हमारा सामान आया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, एक आटे का, ये 10 किलो का आटा मंगाया था आशीर्वाद का। और ये सब सामान आया है जो जो महेंद्र ने मंगाया था, घर की जो भी चीज़ें होती ज़रूरत है वो सब मंगाई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम हो चुका है, टाइम कितना हो, टाइम 1 बजने वाला है। और सच बताऊँ तो मैंने अभी तक ढंग से नाश्ता भी नहीं किया है, और एग भी बॉयल करके ऐसे रखा हुआ है वो भी नहीं करा है। चीकू स्कूल से आ गया, फटाफट दिन का खाना बनाती हूँ, क्योंकि दिन के खाने के लिए मेरे को भी टाइम टाइम खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि सीजरन हो रखा है, दो दो मेरे सीजरन हो चुके हैं। और तो लेकिन मैं खाने पे बिल्कुल ध्यान दे रही हूँ, बट जो भी है अभी मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, और यहाँ पे आलू, प्याज टमाटर काट दिया है, आलू काटने बाकी है, फटाफट बनाती हूँ। उसके बाद आटा गूंथ दिया है महेंद्र ने, और अब मैं फटाफट रोटियाँ भी बना दूँगी, पहले बनाती हूँ सब्जी। और खाने के मामले में मैं सब कुछ खा रही हूँ, कुछ भी चीज़ का परहेज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ का परहेज करूँगी, मैंने अपने बड़े बेटे के टाइम पे भी बिल्कुल भी परहेज नहीं किया था, और अगर मैं परहेज करूँगी तो वो बाद में जब भी मैं खाऊँगी तो बच्चे की तबीयत खराब, ज़्यादा खराब होने डर लगती है। परहेज सिर्फ इतना है कि जैसे जिस चीज़ से गैस वगैरह होती है वो चीज़ें नहीं खा रही हूँ, जैसे कि मैं चना नहीं खा रही हूँ, राजमा नहीं खा रही हूँ, लोबिया नहीं खा रही हूँ, गोभी नहीं खा रही हूँ, इस टाइप की कुछ कुछ चीज़ें मैं नहीं खा रही हूँ, वरना मैं सारी चीज़ें खा रही हूँ। और मिर्च बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ, और तुम सब खा सकते हो। अगर पहले से अगर मैं ये खाऊँगी ना तो बाद में जो है बच्चे को नहीं लगेगा, अगर मैं अभी नहीं खाऊँगी और बाद में फिर बच्चे जब मैं उसको स्टार्ट करूंगी खाना, तो बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है। तो इसलिए मैं सब कुछ खा रही हूँ, ऐसा कुछ भी परहेज नहीं कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बन रही है रोटियाँ, और रोटी बन चुकी है मेरी, बस लास्ट बची है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे आलू की सब्जी भी आप देख सकते हो बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों आप लोगों में दिख नहीं रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने अंधेरा कर रखा है, और मैं सुना रही हूँ यहाँ पे चीकू को। ये है चीकू, और ये है मेरी बेबी, यहाँ पे सो रही है, उसको मैं सुला चुकी हूँ दूध वगैरह पिला। हाँ ये है चीकू, उसको दूध पी के सुला चुकी हूँ। अब चीकू के बारे में सुलाती हूँ, उसके बाद मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, आपको मिलती हूँ शाम को। क्योंकि तो यहाँ पे बन रही है मेरे शाम की चाय, चाय 5 बज चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ, और यहाँ पे उबल रहा है मेरा दूध चीकू के लिए, मैंने गर्म कर दिया है। अब 5 बज चुके हैं, और बना रही हूँ चाय वगैरह, और अब मैं बिस्किट खाऊँगी, बिस्किट के साथ पीऊँगी चाय, खाली चाय नहीं पीती इसीलिए बिस्किट लेती हूँ और चाय पीती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि रात को बनाती हूँ आज तुरई की सब्ज़ी, तुरई बनाती हूँ, तुरई और लौकी मिला के बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्जी एकदम कट के रेडी हो चुकी है, तो रात की सब्जी बना रही हूँ तुरई की सब्जी फटाफट, देख सकते हो यहाँ पर प्याज जो है ब्राउन हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर टाइम हो चुका है 9:30 का, और हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। आप देख सकते हो खाना नीचे चल रेडी हो चुका है, मैं ऊपर ही बैठ के खाऊंगी क्योंकि नीचे नहीं बैठ सकती हूँ। तो क्या हो रहा है, दीपा खा रही कढ़ाई में, और बोली मुझे मत दिखाना, बट मैं दिखाऊंगी आपको। और बेबी की यहाँ पे मालिश हो चुकी है, और दूध भी पी लिया है उसने, मैं दिखाती हूँ। आज मैंने लगाया उसको रागी का आटा, मैं दिखा देती हूँ, देख मतलब कि पूरा रागी के आटे से भरी हुई, आपको दिख नहीं रहा होगा, पूरे रागी का आटा लगा रखा मैंने, और पीछे से आवाज ऐसी आ रही है। तो मैं खा रही हूँ खाना, उसके बाद आप लोगों से बात करती। तो दोस्तों सब लोग सो चुके हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे लाइट जल रखी है, और ये मैंने बच्चे के लिए लगाई है। तो इस बार ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो ब्लॉग आप तक पहुँच सके।